हाय फ्रेंड्स, बीआर टेक्निकल में आपको स्वागत है। अभी मैं बताने वाला हूँ कैलिपर्स के लिए, इनसाइड कैलिपर कैसा होता है, आउटसाइड कैलिपर और डिवाइडर के लिए बारे में बताने वाला हूँ। वो कैसे आप चेक कर सकते हैं ये सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। ये सभी लोग आईटी लोग को बहुत यूज होता है और बिल्डिंग करने वाले सभी लोग काम आता है, इसी में यूज करते हैं बहुत लोग, और मार्किंग के लिए यूज करते हैं। और आप इनर डाया चेक करने के लिए इनसाइड कैलिपर यूज़ करते हैं, आउटसाइड कैलिपर आउटसाइड के लिए यूज करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जॉब है, इसको आप आउटर कितना देखना चाहिए तो कुछ भी नहीं है। आउटर आउटसाइड कैलिपर को यूज करने का और उसका थिकनेस आप यूज कर देख सकते हैं आराम से। इसके लिए आप ये लूज करना पड़ेगा, लूज करने पर आप लूज करने टाइम में आपको इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा। देखिए आप देखिए, है ना, अभी टाइट करने का है। दिख रहा ना, देखो ऐसा ही आप ऐसा ही देखने का है। देखो आराम से दो से टच हो गया है, दिख रहा ना, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। ये आउटसाइड का है, इसका हिसाब से आपको वर्नियर स्टील रोल में देख सकते हैं या टेप से भी देख सकते हैं। इसका मेजर इसका डाया कितना है, आउटर डाया, इसके हिसाब से आप देख के आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इधर ही नहीं, अंदर कुछ चीज़ यूज करने का था वो भी देख सकते हैं, वो भी बताता हूँ। देखिए आउटसाइड कैलिपर के लिए, देखो फ्रेंड्स, इसका डाया चाहिए, इसका डाया चाहिए तो हमको पता नहीं चलता है टेप से किसी से चेक करने के लिए। अब तब आप यूज कर सकते हैं आउटसाइड कैलिपर को, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अभी कैसा आपको दिखाता हूँ, देखिए दिख रहे ना, आप देखो आराम से चला गया अंदर कितना भी लेंथ है इंदो। उसके बाद आप टाइट कर सकते हैं, बस नहीं हो और थोड़ा टाइट करेंगे। ये देखिए और थोड़ा टाइट होने का है, दिख रहा है ना, तो बराबर है। ऐसे ही अंदर का चीज़ को आप आउटर यूज कर सकते हैं, सब इसका लेंथ भी पता चलता है। इसे देख के आप टेप में यूज कर देखने का है आपको कितना डया आया, कितना अंदर का कितना आउटर डया आया आप पता चलता है। आउटर देखे है ना, इसे यूज करने का है। आप आउटसाइड कैलिपर को ऐसे यूज कर सकते हैं और इनसाइड कैलिपर कैसे यूज करने का आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इनर कैलिपर है, इनर बोले तो आप डाया अंदर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना डाया है अंदर, इनसाइड डाया कितना आएगा। आउटर तो दिखा दिया, अब इनसाइड देखिए, स्क्रू टाइट करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि अंदर मूवमेंट बुल रहता है, क्योंकि इधर ये पॉट है और स्प्रिंग टाइप यूज होएगा, इसीलिए आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। इसके बारे में दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसका इनर डाया चाहिए, इसको यूज करने के लिए आप फुल टाइट करके अंदर रख के चेक करने के आपको पता चल जाता है। दिख रहे हैं ना आप, बराबर है, ऐसे ही चेक करने का। और अंदर कुछ प्रॉब्लम रहे तो अभी दिखा सकता हूँ, वेट करिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका अंदर कितना है आपको दिखाता हूँ मैं, और कैसा देखने का चेक बोलता हूँ। ये भी फिर से टाइट करने के फुल्ली, ये रहा बाबू,
बिल्कुल। देखो फ्रेंड्स अंदर गाड़ी है और गाड़ी का लेंथ मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको ये होल नहीं मिलेगा तो आप अंदर कैसे चेक करने का, इसीलिए ये काम आता है। देखिए ना अंदर चले गए, भी टाइट हो गया, ये फुल लूज कर दिया है। अंदर रख दिया दोस्तों, उसके बाद फुल लूज कर दिया, देखे भी उसके हिसाब से स्लो टाइट करने का है, स्लो टाइट कर दिया। अब इसको निकाल के चेक कर सकते हैं आप, देखे अंदर इतना आया है, इसके हिसाब से स्टील रूल में चेक कर सकते हैं कितना आया। स्टील रूल इधर किधर है पता नहीं, देखिए स्टील रूल ऐसा रहेगा, इसमें चेक कर सकते हैं आप। 10 से देखा है 30 mm का है, दिख रहे हैं ना आपको, वैसे अंदर चेक करने का इनसाइड का भी ऐसे ही सभी यूज कर सकते हैं। विनर ऐसे ही आप सभी चीज़ को यूज कर सकते हैं, ये इनर का है, ये आउटर का है, ये तो बारे में आपको बताया था कैसे चेक करने का कैसे यूज करने का। दोनों में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से आपको बताता हूँ इसका डाया कैसे यूज करने का, कैसा इनर डाया आउटर डाया यूज करने का सभी बताता हूँ। और डिवाइडर है, डिवाइडर के बारे में आपको पता ही रहता है क्योंकि आप स्कूल से यूज करते रहते हैं, साइज देखने का, सेंटर करने का, सर्कल मारने का है। बस दोस्तों ऐसा ही, ये भी सेम है, स्प्रिंग सिस्टम है, ये रॉड के हिसाब से स्प्रिंग आएगा, लूज टाइट इधर रहेगा, उसके हिसाब से फिट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ फिर से। ये टेक्निकल में आपको कुछ डाउट रहेगा तो कुछ भी चीज़ में आपको बताता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।